नमस्कार दोस्तों, आपका एल्पाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्रुप के कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे ग्रुप के, सॉल्व करेंगे, पहचानेंगे वो ग्रुप है कि नहीं है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है क्यू प्लस स्टार, ठीक है। यहाँ पे स्टार डिफाइन है कैसे, ये जो ऑपरेशन स्टार बना है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, एक अलग तरह का ऑपरेशन है। कहाँ के एलिमेंट के लिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर के एलिमेंट के लिए। किस तरह का ऑपरेशन है कि इनके बीच अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो ए बी बाई फाइव आता है, ठीक। ये है हमारा ऑपरेशन, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है ग्रुप है कि नहीं, तो क्लोजर प्रूफ करना है भाई। क्लोजर एक एलिमेंट लिया हमने ए और बी, दो एलिमेंट लिया कहाँ से, पॉजिटिव रैशनल नंबर से। दोनों के बीच अगर हम ऑपरेशन करा रहे हैं, या ऑपरेशन को स्टार ना दिखा के थोड़ा सा ओ कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओ से आपको समझ में आएगा कि वो ओ फॉर ऑपरेशन है, ठीक है। ये छोटा सा ओ, जीरो नहीं है, ओ ओ, ठीक है ना। तो ये जो है ए इंटू बी बाई फाइव, ए रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर, बी पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो मल्टीप्लिकेशन भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, फाइव से डिवाइड करेंगे वो भी एक पॉजिटिव, तो टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। मतलब ये टोटल कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर में। इतना बड़ा प्लस नहीं होता है, थोड़ा छोटा प्लस होता है, इसको आप लोग छोटा प्लस लिखिएगा। ये तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव। अच्छा, यहाँ हमें डायरेक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि नॉन पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ अगर कुछ ऐसा मिल जाता कि ऐसा कुछ लग जाता कि आइडेंटिटी है ही नहीं इसमें, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देखते देखते चारों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी लग जाती कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हम आगे बढ़ते नहीं, सीधे कहते ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नॉन पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा है, इसलिए हमें इसको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी देखते हैं क्या है, एसोसिएटिव है कि नहीं। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, हाँ तो एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो तीन एलिमेंट हम लेते हैं कहाँ से, रैशनल नंबर से, पॉजिटिव रैशनल नंबर से। ऑपरेट कराना है इनको कैसे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, हमें यही दिखाना है ना कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, टू शो, हमें ये दिखाना है, ठीक। अगर ऐसा हो जाएगा तो एसोसिएटिव बोलेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं, ये ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बी सी दो एलिमेंट है, बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है फाइव से, तो बी सी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा किससे, फाइव से, ठीक। चलिए यहाँ पे ए और बी क्या होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा फाइव से, ठीक है, ऑपरेशन सी, ठीक। चलिए ए, अब दो एलिमेंट हो गए हमारे पास, बी सी बाई फाइव, सपोज दैट ये पी है, ये पूरा P है और ये A है, तो A और P में कैसा ऑपरेशन है, A इंटू पी बाई फाइव, ये पूरा P हो तो A इंटू पी बाई फाइव, उसी तरह ये पूरा Q हो तो Q इंटू सी बाई फाइव, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A इंटू पी बी सी बाई फाइव, ये होल का फाइव, A इंटू पी बाई फाइव, ये क्या हो जाएगा, Q इंटू सी बाई फाइव, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर भी ये आ जाएगा ए बी सी बाई ट्वेंटी फाइव, और ये भी आ जाएगा क्या, ए बी सी बाई ट्वेंटी फाइव। तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो गए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, छोटे बच्चों वाली कहानी, तो एसोसिएटिव हो गया। अगला इसके आगे थोड़ा सा और हम
पतला लिखते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी ना, आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती थी? उस पर्टिकुलर सेट से एक ऐसा एलिमेंट उठाइए जिसको उस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं तो वही सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ई है, ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस, आइडेंटिटी मान लेते हैं क्यू प्लस में है, आइडेंटिटी मान लेते हैं है, ठीक। लेट ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक। सभी एलिमेंट हैं जो क्यू प्लस में, उन सभी के लिए अगर हम आइडेंटिटी से ऑपरेट कराएंगे तो वही सारे मिल जाएंगे, रूल हमारा यही कहता है। अब देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मान के चल रहे हैं कि हो रहा है, आगे रिजल्ट आएगा वो प्रूफ कर देगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ए बाई फाइव इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाइज ई इक्वल टू फाइव। फाइव कहाँ बिलोंग करता है? उस सेट में, तो मतलब उस सेट में आइडेंटिटी है और कौन सी है? फाइव है, ठीक है। ये भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा? आपका क्यू प्लस में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। ये तो बिलोंग ही करेगा ना, पहले माना है, जो माना है वो सही भी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या है? फाइव है। ये हमारी क्या है? आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर गई। अब हमारा आता है इनवर्स। इनवर्स इनवर्स के केस में क्या देखेंगे? दो एलिमेंट ऑपरेट कराने पे आइडेंटिटी दे दें तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहे जाते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट ले लिया हमने, बार बार ए बी ले रहे हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, पी क्यू ले लेते हैं। पी और क्यू बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट पी ऑपरेटेड क्यू इक्वल टू ई। पी अगर क्यू पे ऑपरेट हो रहा है या पी और क्यू आपस में ऑपरेट हो तो आइडेंटिटी मिल रही है। तो यहाँ से क्या होगा, पी क्यू बाई फाइव, ये बड़ा क्यू नहीं है यार, छोटा क्यू है, ठीक है। ये वाला क्यू है, छोटा क्यू है, ठीक है। पी क्यू बाई फाइव इक्वल टू फाइव, यहाँ से पी क्यू, आइडेंटिटी हमारी फाइव थी तो पी क्यू हो गया 25, तो पी हो गया 25 बाई क्यू, या क्यू हो गया 25 बाई पी, ऐसा आ गया, ठीक है। ऐसा होने के बाद तो हम क्या कहेंगे, ऐसा होता है तो P का इनवर्स Q है और Q का इनवर्स P है। चलिए, तो अगर P का इनवर्स Q है तो ये P का इनवर्स ऐसे लिखते हैं ना, इनवर्स का साइन क्या होता है? यही होता है, इनवर्स का साइन होता है ऐसा, ऐसे लिखते हैं P का इनवर्स इक्वल टू Q, और Q है कितना, Q है कितना 25 बाई P, और Q का इनवर्स क्या है, Q का इन्वर्स है ये, माइनस बाहर लगाइए प्लस लगाइए जैसे भी लगाइए उससे अंतर नहीं पड़ता। ये Q का इन्वर्स क्या है, P है, और P कितना है 25 बाई Q, तो P इन्वर्स हो रहा है 25 बाई P और Q इन्वर्स हो रहा है 25 बाई Q। यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब हम आते हैं किसमें, अगला एबिलियन है कि नहीं, ग्रुप तो हो गया ना, चारों प्रॉपर्टी होल्ड करी, एबिलियन है कि नहीं, तो कमुटेटिविटी होल्ड कराना है हमको। कमुटेटिविटी होल्ड कराने के लिए क्या, ए ऑपरेटेड बी है, ये ए बी बाई फाइव लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं ना बी ए बाई फाइव, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों के बीच तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी ऑपरेटेड ए, बी ऑपरेटेड ऑन है, तो कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रहा है। तो क्यू प्लस जो है ऐसे ऑपरेशन के लिए कौन सा एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, एबिलियन ग्रुप, ठीक है। Q प्लस ऐसे ऑपरेशंस के लिए एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइए, ठीक। ये रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है,
और ऑपरेशन हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का। कैसा ऑपरेशन है, कैसे डिफाइंड है ये? सेम तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल इसको देखने के लिए हमें यहाँ सीधा इसकी नॉन पॉसिबिलिटी को देखना होगा। क्या पॉसिबल नहीं है? क्लोजर तो पॉसिबल साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी अगर हम रैशनल नंबर लें, रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करें तो रैशनल आता ही है, और पॉजिटिव रैशनल में पॉजिटिव रैशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रैशनल आएगा, तो क्लोजर हो जाएगा। एसोसिएटिविटी, तीन पॉजिटिव रैशनल नंबर को चाहे आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करिए, बराबर ही आएंगे आपस में। आइडेंटिटी, वन वन सबके लिए आइडेंटिटी हो जाएगी, वन का मल्टीप्लाई आप किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर में करें वो सारे मिल जाएंगे, नेगेटिव में भी होगा, ठीक है। इनवर्स, तो हर एलिमेंट का इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो क्या हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा यहाँ पे? चेक करना है। तो हर पॉजिटिव रैशनल नंबर का इनवर्स मिलता है आपको, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल ही क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दो पॉजिटिव रैशनल नंबर को चाहे आप लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करिए, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करिए, वही चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है, कौन सा? एबिलियन ग्रुप। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली देखने वाली चीज़ है। रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, सब पे फॉलो होगा, कब फॉलो नहीं होगा? इसी को थोड़ा सा बदल दें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दें, हम कह दें केवल रैशनल नंबर हम लेंगे और मल्टीप्लाई का केस हो जाए, सारे रैशनल नंबर आ गए इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गए, तो अब क्या ये ग्रुप बनाएगा? ठीक है, तो इसमें जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। टू के लिए 1/2, थ्री के लिए 1/3, फोर के लिए 1/4 सब मिल जाएंगे, जीरो के लिए नहीं मिलेगा। तो ज़ीरो इसको कंट्राडिक्ट करा दे रहा है, दिक्कत करा दे रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप नहीं होगा, ये इज नॉट अ ग्रुप। कब होगा ये ग्रुप? जब ज़ीरो हटा देंगे तो होने लगेगा, ज़ीरो नहीं हो। इफ़ क्यू स्टार इक्वल टू क्यू माइनस ज़ीरो, देन अब ये ग्रुप हो जाएगा। क्यू स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा, वो भी एबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि दो रैशनल नंबर कैसे भी मल्टीप्लाई करें हम बराबर ही आते हैं, ठीक है। तो अब ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ध्यान देना है, बस ज़ीरो हटाया सब हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर, एक और क्वेश्चन बनता है यहीं पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम नेगेटिव वाले रैशनल नंबर ले लें और मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ग्रुप फॉर्म करेगा? इस अ ग्रुप, ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर लें तो वो ग्रुप फॉर्म करे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दो नेगेटिव रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आ सकता है, माइनस टू माइनस थ्री सिक्स हो जाएगा, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, तो उस सेट में बिलोंग ही नहीं किया, यहाँ तो सारे नेगेटिव वाले हैं, तो उस सेट में तो आया ही नहीं, तो क्लोजर ही नहीं हुआ, तो ग्रुप तो होगा नहीं, नॉट क्लोजर, नॉट क्लोजर, दैट इम्प्लाइज नॉट ग्रुप। क्यों, ये लिख दीजिए नो, ठा ये हो गया। तो रैशनल नंबर पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का केस देख लिया, एडिशन का केस, दो नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करिए अब चाहे जैसे भी, ठीक है, वो क्या देंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर देंगे, लेकिन नेगेटिव रैशनल नंबर में ज़ीरो तो नहीं आता है, ज़ीरो क्या है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो ज़ीरो जो है नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ नेगेटिव रैशनल नंबर के केस में अगर आप ऑपरेशन एडिशन कर लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर के केस में अगर आपका ऑपरेशन एडिशन हो जाएगा तो वहाँ आइडेंटिटी नहीं मिलेगी आपको, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा उस ग्रुप में जिससे हम सारे एलिमेंट को ऐड करें तो वही मिलता जाए, वो केवल ज़ीरो ही पॉसिबल है, और ज़ीरो तो उस सेट में है नहीं, तो रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप नहीं बनाता है, ठीक है। ऑल्सो
नेगेटिव रैशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में इज नॉट अ ग्रुप बिकॉज जीरो नहीं बिलोंग करता है क्यू माइनस को। ठीक है, ठीक है, ये आइडेंटिटी की तरह काम करेगा और ये बिलोंग ही नहीं कर रहा था, आइडेंटिटी तो है ही नहीं, इनवर्स की तो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, और भी है, निगेटिव रैशनल नंबर है एडिशन के केस में, इनवर्स होने के लिए हर निगेटिव को पॉजिटिव होना होता है, टू का इनवर्स माइनस टू, माइनस टू का इनवर्स टू, तो भाई सारे इनवर्सेस तो पॉजिटिव में चले गए ना, कहाँ उसमें है, तो वो भी नहीं होगा, तो बनेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए। हाँ, इनके ऑर्डर्स देखने थे, इसमें कितने एलिमेंट हैं, रैशनल नंबर में कितने एलिमेंट होते हैं, पॉजिटिव रैशनल कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इनफाइनाइट। ठीक है, इस केस में भी ऑर्डर क्या होगा, ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, ये तो ग्रुप ही नहीं है तो ऑर्डर की बात नहीं करेंगे। अगला ये सारे क्वेश्चन रहे, एक और क्वेश्चन है रैशनल नंबर पे, ऑपरेशन ओ ले लिया, प्लस के लिए तो समझ में आता है, प्लस लिख देते हैं, माइनस नेगेटिव लिख देते हैं, मल्टीप्लाई लिख देते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, ओ ले लिया। ठीक है, ओ फॉर एनी ऑपरेशन, किस टाइप का ऑपरेशन है दोनों में, तो ये क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों में ऑपरेशन जो है दोनों को प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। दो एलिमेंट इस रैशनल नंबर के ऐसे हैं कि उनके बीच जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है, दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इनका डिफरेंस, एडिशन माइनस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नंबर्स का एडिशन माइनस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा डिफाइन है। अभी ग्रुप है या नहीं है यही चेक करना है हमको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप के लिए क्या होगा, क्लोजर देखना है, थोड़ा सा बार बार लिखने से बचते हैं, क्लोजर डायरेक्टली देखिए। ए रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है भाई, ए और बी यहाँ पे ये देखिए, फॉर ऑल सॉरी फॉर ऑल नहीं, यहाँ पे ए और बी हम ले लेते हैं रैशनल नंबर से। अगर ए और बी रैशनल नंबर से ले रहे हैं तो a प्लस बी भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ए बी भी क्या होगा, रैशनल होगा, दो रैशनल का एडिशन करें या मल्टीप्लीकेशन, रैशनल होगा। तो ये भी एक रैशनल आया और ये भी एक रैशनल आ गया, रैशनल में से रैशनल घटाएंगे हमेशा रैशनल मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये टोटल चीज़ें जो हैं ये आ गई हमारी रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्लोजर तो हो ही गया, ए और बी आर्बिट्री एलिमेंट है, किसी दो नंबर रैशनल नंबर को उठा लीजिए, फॉलो कराइए, इस पे पुट करिए, आपको हमेशा रैशनल मिलेगा, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रैशनल होते हैं और दो रैशनल का डिफरेंस भी रैशनल होता है। ठीक है, तो क्लोजर तो हो गया। एसोसिएटिविटी, ठीक है, इसको आप खुद से लिख के ट्राई कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी ये चेक करना है हमको। ठीक है, तो ये करा लेते हैं। ठीक, ये अलग से, पहले LHS अलग से निकाल लेते हैं, एकदम आराम से LHS अलग से निकाल लेते हैं, RHS अलग से निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों अगर इक्वल है तो एसोसिएटिविटी होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए इसको, ए ऑपरेशन, दो एलिमेंट कैसे ऑपरेटेड हैं, एडिशन माइनस उनका मल्टीप्लीकेशन, बी प्लस सी माइनस बी सी। ठीक है, ऐसा है। ठीक, अब ए ऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, हम मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा आर है, ए ऑपरेटेड आर हो गया, ए ऑपरेटेड आर हो गया। अगर ये आर है तो दो नंबर्स का ऑपरेशन कैसे डिफाइन है रैशनल नंबर का, कि दोनों को हम ऐड करेंगे, ए प्लस आर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी बनाया जाता है बार बार, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस आर और a इंटू आर, आर हमारा क्या था, आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे r लिया है, r यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस दिखाने के लिए, और क्या था,
दोनों का एडिशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन, बीच में नेगेटिव साइन। इसको पूरा सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, यही आएगा। नेगेटिव ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी सी। अब ये तो बचपन वाले खेल आपको आते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ये माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस ए बी सी। ये आ गया आपका क्या रिजल्ट LHS का। तीनों एलिमेंट को अगर ऐसे ऑपरेट कराएं, अच्छा तीन एलिमेंट है, तीनों को ऐड किया रैशनल होगा, ये इधर मल्टीप्लाई करके ऐड किया रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। चलिए ये आपका LHS आ गया। RHS सिंपली यहीं पे RHS निकाल सकते हैं, यहाँ अगर हम चाहें निकालना, या फिर चलिए अगले पेज पे निकाल लेते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं। चलिए RHS राइट हैंड साइड। इधर क्या करना था, उधर क्या किए थे, बी और सी को ऑपरेट कराए और फिर जो आया ए से ऑपरेट कराए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यहाँ पे क्या करना है, ए और बी को एक साथ और सी को बाद में, तो इनके बीच कैसा ऑपरेशन है, अब डायरेक्टली लिखेंगे ए प्लस बी माइनस ए बी ऑपरेशन सी, ठीक। हाँ ये आर का मतलब समझ लीजिएगा, इसको टोटल को आर बोला गया है, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, बार बार आर नहीं ले सकते। अगला ये ऐसा है, ठीक। ऑपरेशन सी मतलब अब क्या करें, ये इसको अब आप ले लीजिए, कोई मान लीजिए ऐसे इसको टी ले लीजिए, टी ऑपरेट हो रहा है सी में, कैसे ऑपरेट होगा टी, कैसे ऑपरेट होगा सी में, दोनों का एडिशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो टी यूज नहीं कर रहे हैं, टी बस आपके बताने के लिए वहाँ पे किया गया था, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, इनटू सी, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और दोनों का डिफरेंस, ये टोटल, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे आपका वही फॉर्म आ जाएगा फिर से, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो क्रॉस चेक करके ही आए हुए हैं, ठीक है। ये प्लस ए बी सी है शायद, हाँ प्लस ए बी सी है, तो ये दोनों यही आएंगे, दोनों बराबर हो गए। LHS इक्वल टू सो LHS इक्वल टू RHS हैंस क्या एसोसिएटिव, ठीक, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है यहाँ पे। अगला आइडेंटिटी, ठीक, आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी क्या होता है। अब आइडेंटिटी की बार बार डिफिनीशन आपको एक बार बताई गई है, ठीक है, क्या होता था, एक ऐसा यूनिक एलिमेंट उस सेट से जिसको किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट कराएं तो वही सारे एलिमेंट मिल जाएं। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से ऑपरेट कराने पे वही सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। ई ऑपरेटेड ए इक्वल टू ए, हाँ, फॉर आइडेंटिटी। इंटेंसेस हैं, आपको छापना नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी है, लिख के आपको समझना है, उसको पूरा खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो ये क्या था, दोनों का एडिशन, ठीक है, माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए, तो e प्लस ए माइनस ई ए इक्वल टू ए, ये गया e वन माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और ये रैशनल नंबर में है भी नहीं, है भी, सॉरी रैशनल नंबर में है भी, ठीक है, तो आइडेंटिटी हो गया। आगे इनवर्स, इनवर्स क्या चाहिए इनको, दो एलिमेंट को ऑपरेट कराएं ज़ीरो आ जाए, ठीक है। तो लीजिए दो एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हैं, ये होना चाहिए,
फॉर इनवर्स, ये फॉर इनवर्स ऐसा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, a प्लस बी माइनस ए बी अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। आइडेंटिटी हमारी क्या है, ज़ीरो है, ये ज़ीरो थी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि a प्लस बी कॉमन लीजिए, वन माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से b की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी माइनस ए अपॉन वन माइनस ए, दैट इम्प्लाइज b जो होगा a अपॉन ए माइनस वन, बी की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। और ये क्या, दैट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू b, a इनवर्स b है और b आ क्या रहा है यहाँ से, a अपॉन a माइनस वन, ठीक। तो इनवर्स हमारा क्या होगा, a अपॉन a माइनस वन, a का इनवर्स क्या होगा, a अपॉन a माइनस वन, ए रैशनल है, ठीक है, ये ए, ये भी रैशनल है, वन ये भी रैशनल है। यहाँ एक दिक्कत आ रही है, अगर यहाँ ए को हम वन ले लेंगे, ठीक है, चलिए पहले अगले पेज पे करते हैं। सो ए इनवर्स इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस वन, यही था ना, यही था, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, हमें खाली निकालना ही, फाइंड ही, वैल्यू ही फाइंड नहीं करनी है कि आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, इन सारी बातों से पहले आता है क्लोजर होना, क्लोज्ड होना, उसका बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करना, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएंगे सारे रिजल्ट उसी सेट में होने चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर a को 1 ले लेंगे, इफ़ a इक्वल टू 1, इफ़ a इक्वल टू 1 देन तब क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा, तब a इनवर्स हमारा रैशनल में नहीं आएगा। तो यहाँ दिक्कत कर रहा है, एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जहाँ के लिए रैशनल इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। सो क्या था, रैशनल नंबर था ना, ये क्या था, क्यू ऑपरेशन, इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन था कैसे, a प्लस बी माइनस ए बी, सच दैट a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट अ, नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक, ये ग्रुप नहीं होगा, एसोसिएटिविटी फॉलो कर जाएगा, आइडेंटिटी फॉलो कर जाएगा, क्लोजर फॉलो कर जाएगा पहली केस में, ठीक है, लेकिन ज़ीरो रखेंगे यहाँ क्लोजर भी फॉलो हो जाएगा, ए को ज़ीरो रखिए, बी माइनस ज़ीरो बी, वो भी रैशनल नंबर, यहाँ तो आ जाएगा, इनवर्स के केस में प्रॉब्लम आ जाएगी, इनवर्स फॉलो नहीं करेगा। अगर वन हटा देते हैं, अगर वन हटा देते हैं तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और यही नहीं, आप a प्लस बी माइनस ए बी को b प्लस ए माइनस बी ए भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो b प्लस ए माइनस बी ए भी लिख सकते हैं, ये b ऑपरेटेड a भी हो जा रहा है, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर ले रहा है। लेकिन ये सारा कुछ होने के लिए हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं कर रहा, अगर वन हटा देते तो हो जाता। तो आगे देखिए इसी क्वेश्चन में अगला, अगर हम रैशनल नंबर में से वन हटा दें और सेम ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, देन तब क्या होगा कि रैशनल नंबर इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। अब तो सब कुछ ठीक है ना, वन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वन यहाँ ले नहीं रहे हैं, और उस केस में आइडेंटिटी तो ज़ीरो आ रही थी, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि आइडेंटिटी वन आ रही है और वन हम नहीं ले रहे हैं तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आइडेंटिटी उस केस में ज़ीरो आ रही थी, ठीक है। तो हमारे वन ना लेने से ये ग्रुप बन गया, ठीक है, सुधर गया, थोड़ा सा सुधरा हुआ, ठीक। तो ये है अगला,
बस आपको सीधा सीधा काउंटर करना है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट काउंटर कर सकते हैं इनवर्स, चलिए डायरेक्टली इनवर्स पे चलते हैं, और इनवर्स आपको ना मिल रहा होता तब तो आपको इतना सारा सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ी इसमें, और ग्रुप बनाने के लिए वन को हटाना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, अच्छा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे ऑफ, यहीं आगे ऐड कर लीजिए इनफाइनाइट ऑर्डर, कुछ फाइनाइट ऑर्डर्स के भी ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में, फिलहाल इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ स्पेशल प्रॉपर्टी, कौन सा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ये ग्रुप या सेट, जी एक सेट है कैसा जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, होल्ड रहते हैं इसमें, जी एक ऐसा सेट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसके साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी और जुड़ी है, हमें ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनका मॉडुलस वन हो, जिनका मैग्नीट्यूड वन हो। ठीक है, तो कह रहा है कि अब ये जी देन इफ, अगर ऐसा एक सेट है देन देन इज जी क्रॉस या जी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा कि नहीं होगा, यस और नो, ठीक है, ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा ये हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, सेम चीज है, बस एक प्रॉपर्टी यहां पे हमने लगा दिया, जैसे रैशनल नंबर पे क्या लगा था कि पॉजिटिव हो q प्लस, निगेटिव हो तो नहीं हो रहा था, पॉजिटिव हो तो हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन के केस में हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन के केस में हो रहा था, और वही एडिशन के केस में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगा दिया है, अब कह दिया कि वैसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इकट्ठे करो जिनका मैग्नीट्यूड वन हो, तो पहली बात तो इस सेट में ऐसे ही इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, ऐसे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनके मॉडुलस वन होते हैं, और अगर ये ग्रुप हो गया तो चूंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट थे इसलिए ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे आप लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करें या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करें, ठीक है, हमेशा सेम वैल्यू देते हैं मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो वो एबिलियन मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगा। ठीक, तो अगर ये ग्रुप हो गया तो चूंकि कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसलिए एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये है कि नहीं, कैसे क्लोजर, कैसे क्लोजर दिखाएंगे, दो एलिमेंट हमें लेने हैं, ठीक है, दो एलिमेंट लेने हैं जी से, ठीक है, जेड वन और जेड टू बिलोंग्स टू जी सच दैट इनका मॉडुलस क्या हो, वन हो, डिफिनीशन यही थी ना, वन होना चाहिए। तो अब आप सीधे Z1, Z2 को लीजिए, ये क्या होगा, आप अलग अलग कर सकते हैं इनको, ये वन, ये वन, वन इंटू वन दिस इज इक्वल टू वन, सो Z1, Z2, वन, इसका मतलब ये है कि Z1, Z2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, G में, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसका मॉडुलस वन है, ऐसे ही तो सेट में चाहिए थे एलिमेंट हमें, और ये है तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी भी सिंपली ऐसे ही देख लेंगे, एसोसिएटिविटी डायरेक्टली, एसोसिएटिविटी में क्या है, यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, भर सकते हैं, Z1, Z2, Z3 तीन एलिमेंट कैसे वाले, कि इनका मैग्नीट्यूड वन है, सच दैट मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 इक्वल टू वन, सबके मैग्नीट्यूड्स वन है। ठीक है, आप यही ना Z1 ऑपरेटेड Z2 ऑपरेटेड Z3 यही करना है आपको। ठीक है, तो Z1, Z2 और Z3, ठीक है, ऐसा Z2, Z3, Z2, Z3 को लिख सकते हैं ऐसा, तो ये किस तरह से कैसे होल्ड करेंगे, ये इनको लिखने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, कि mod Z1
इंटू मॉड जेड टू इन मॉड जेड थ्री, ठीक ऐसा। ठीक, ये अगर होल्ड कराना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखिए, ये वन है, ये वन है, ये वन है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वन ही आएगा ना। और आप जेड वन जेड टू को एक साथ ले लेंगे, जेड वन जेड टू को एक साथ ले लेंगे तो भी वन आएगा, और फिर उसमें जेड थ्री को अप्लाई करेंगे तो भी वन आएगा। तो चाहे जैसे भी अप्लाई कराइए, ये क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो अल्टीमेटली इसको बिना सॉल्व किए डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, और ये आप लोग एम एस सी इंट्रेंस देने जा रहे हैं, बी एस सी के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो ये सिंपली आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, ये टफ नहीं है, समझना कि ये एसोसिएटिव है, ठीक है। अगला आइडेंटिटी, क्या होगी आइडेंटिटी, ये इसके लिए कुछ मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी। आइडेंटिटी होगी वन, वन ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, या वन प्लस जीरो वाई, वन प्लस जीरो वाई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसका मॉडुलस क्या आएगा, वन आएगा, सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन, ठीक है। जेड इक्वल टू वन प्लस जीरो वाई लेंगे तो मॉडुलस वन आएगा, और ठीक है। और इसको आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वही सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आइडेंटिटी हो गया, ठीक, आइडेंटिटी हो गया, वन प्लस जीरो वाई। इनवर्स, इनवर्स में क्या चाहिए हमें, दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको ऑपरेट कराएं तो आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। मतलब दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर उस सेट के हों जिनके मैग्नीट्यूड वन और वन है, और ऑपरेट कराएं तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए जिसका मैग्नीट्यूड वन हो और वो आइडेंटिटी भी हो। मतलब क्या होना चाहिए, जेड वन मल्टीप्लाइड जेड टू इक्वल टू वन प्लस जीरो वाई, ऐसा आना चाहिए, ठीक, ठीक है, ऐसा हो। आइडेंटिटी इसको ई लिख लिया करिए, अभी आप इसको इसको ई लिखिए, ठीक है। अब कैसा, सच दैट जेड वन ऑपरेटेड जेड टू, मॉड जेड वन में मॉड जेड टू को ऑपरेट कराइए तो ये क्या आ जाए, ये क्या आ जाए, वन आ जाए, ठीक है, कि यही ना आएगा, या लिख लीजिए वन प्लस जीरो वाई, ऐसा ही हो, तो वन तो आएगा ही है, ठीक। तो जेड वन का इनवर्स जेड टू, जेड टू का इनवर्स जेड वन, ठीक है। सो जेड वन इनवर्स इक्वल टू ये आ गया वन बाई जेड वन, एंड जेड टू इनवर्स इक्वल टू वन बाई जेड टू, क्यों, क्योंकि जेड वन जेड टू का मल्टीप्लाई कराने पे वन आ रहा है, मतलब जेड वन का मॉड और जेड टू का मॉड मल्टीप्लाई कराने पे वन आ रहा है, ठीक है। तो जेड वन का मॉड होगा इक्वल टू वन अपॉन जेड टू का मॉड, अगर ये वन आ गया यहाँ से देखिए, जेड वन का जो मॉड होगा इक्वल टू वन अपॉन जेड टू का मॉड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जेड वन का मॉड जो है टोटल वन अपॉन जेड टू का मॉड है, ठीक है। तो ये Z1, इसका मतलब Z1 कहाँ पे है, G में है, इसका मतलब 1 बाई जेड टू कहाँ पे है, Z में है, और दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो Z1 इक्वल टू 1 बाई जेड टू, सॉरी क्या लिख दिया यहाँ पे, Z1 का इनवर्स 1 बाई जेड टू और Z2 का इनवर्स 1 बाई जेड वन, ठीक है, इनवर्सेज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे आप जीरो नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो आएगा, और वो उस सेट में है ही नहीं। इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के थे, उस टाइप के कि उनका मॉडुलस वन आए, तो इसमें जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसी वजह से अगर यही सेट हम लें, सॉरी यही वाला, एक सेकेंड, यही वाला अगर हम सेट लेते हैं और पीछे जाते हैं ठीक है, ये कहाँ चले आए हम, ये वाला सेट लेते हैं और कहते हैं कि ये क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाएगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो भाई एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाने के लिए इनको एक एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए,
जीरो प्लस जीरो आई टाइप का, ऐसा टाइप का चाहिए, ठीक है। वो मिल तो जाएगा लेकिन उसका मॉडुलस वन नहीं होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा लेकिन वो इस सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सेट के एलिमेंट्स के लिए कहीं भी आइडेंटिटी जैसा कुछ नहीं होगा, और जब आइडेंटिटी ही नहीं तो इन्वर्स कहाँ से आएगा इसमें, ठीक है। इन्वर्स की बात ही नहीं करनी, आइडेंटिटी पे ही ख़त्म कर देना, तो ग्रुप नहीं बना रहा है, नॉट अ ग्रुप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मॉडुलस वन लेना है, मॉडुलस वन लेने के लिए दोनों को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी तो आने से रही, तो ग्रुप तो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो बनने से रहा, नहीं बनेगा वो। चलिए आगे आपका बारह इलेवन, ठीक है, ठीक है। अगला थर्टीन पे आपका अगला